हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन स्टडी। देखिए पूरा सिलेबस है जनरल अवेयरनेस सेक्शन का, जो कि क्लास फोर्थ रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम में आएगी। ये 40 मार्क्स का सेक्शन है जिसको मैं एंड श्रद्धा मैम कंप्लीट करवाएंगे। आपको रेगुलर बेसिस में वीडियोस आएंगी, अल्टरनेट डेज पर मेरी आएगी और बाकी दिन पे मैम की आएगी। यानी कि एक दिन मेरी आएगी तो अगले दिन मैम की वीडियो आएगी आपके पास। टाइमिंग लेकिन इस सब्जेक्ट की सेम रहेगी, रोज़ शाम 4 बजे आपको जनरल अवेयरनेस के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, रोज़ शाम 4 बजे आपको मिल जाएगी वीडियो। आपने रोज़ शाम 4 बजे इस चैनल पे आना है जनरल अवेयरनेस पढ़ने के लिए। अच्छा, अगर बात करें सिलेबस के बारे में तो JNK की ज्योग्राफी में आज आपको शुरू करवाऊंगा। टोटल 3 लेक्चर होंगे इसके और 3 लेक्चर में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। कल इंडियन ज्योग्राफी श्रद्धा मैम शुरू करवाएंगे और वो अपनी वीडियो में बता देंगे कि कितने लेक्चर में इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म होगी। अच्छा, मैंने इस जो लेक्चर है, जो JNK ज्योग्राफी का लेक्चर है, जो 3 लेक्चर्स होंगे, इससे मैंने 120 MCQs तैयार किए हैं, जिनका क्विज होगा आपका जब ये तीनों लेक्चर आप देख लोगे। इसका क्विज होगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप में से बहुत लोग नए होंगे इस चैनल पे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं अपने YouTube के एनालिटिक्स में चेक कर पा रहा हूँ बहुत लोगों ने सब्सक्राइब तो किया है लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया। अब आप जानते हैं कि रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आनी शुरू हो चुकी हैं, हमने एक प्रॉपर रूटीन बना ली है। 2 बजे मैथ्स की वीडियोस आएगी क्लास फोर्थ के एग्ज़ाम के लिए, 4 बजे आपको जनरल अवेयरनेस मिलेगा और 6 बजे रीजनिंग मिलेगा, एंड बीच में 2 दिन इंग्लिश के लेक्चर्स आएंगे। तो आपने कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है, वरना आप पीछे हो जाएंगे बाकी बच्चों से। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब करना है और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम JNK की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में, जिसमें हम 2 टॉपिक्स उठाएंगे आज, सिचुएशन लोकेशन एरिया एंड एक्सटेंट, और दूसरा टॉपिक होगा ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि हिस्ट्री से उठाते हुए ज्योग्राफी की तरफ लेके जाऊंगा, ताकि आपको पता चलेगा कि जो हमारा एरिया है उसके पीछे का कारण क्या है। एंड बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, आपने इसको एज ए स्टोरी की तरह सुनना है और 2-3 बार आप सुनेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे तो आपको सब इजीली समझ आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिचुएशन लोकेशन एरिया एंड एक्सटेंट के बारे में। तो देखिए, हम जानते हैं जो हमारी जम्मू कश्मीर की धरती है उस पर हिंदू राजाओं और मुस्लिम राजाओं दोनों ने रूल किया है, और हमारी JNK की धरती पर जो मुगल अंपायर का रूल था वो 1586 में आया था। उसके बाद कुछ समय अफगान्स ने भी रूल किया है टिल 1756 तक। फिर यहाँ सिख किंगडम भी आया था, जो कि 1819 में शुरू हुआ था। आप जानते हैं कि 1830 में लद्दाख को एनेक्स किया था महाराजा गुलाब सिंह ने, एंड 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी हुई थी, जिसके तहत कश्मीर का एक्सेस मिला था महाराजा गुलाब सिंह को। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये मैं आपको JNK की हिस्ट्री में डिटेल में समझाऊंगा। आपने अभी सिर्फ इसको स्टोरी की तरह सुनना है और सामने जो मैंने नोट्स बना के दिए हैं आपको, इनको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। और इस तरह 1846 तक महाराजा गुलाब सिंह द्वारा भारत की नॉर्दर्न मोस्ट और साथ ही साथ सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट की स्थापना हुई। अब आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि प्रिंसली स्टेट से क्या मतलब है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली जब भी हमारे खुद के लोग, हमारे इंडिजीनियस लोग किसी भी स्टेट पर राज करते हैं, तो वो स्टेट कहलाती है प्रिंसली स्टेट। ठीक है, सिंपल टर्म है, हमारे खुद के लोग जब राज करेंगे तो वो स्टेट क्या कहलाएगी, प्रिंसली स्टेट। अच्छा, अब आगे चलते हैं। उस समय 1947 के वक्त जब भारत आज़ाद होता है, तो आप जानते हैं कि भारत की टोटल जो एरिया है JNK का, वो था 2,22,236 किलोमीटर। अब होता क्या है, 1947 का साल होता है, अक्टूबर का महीना होता है, जब कश्मीर के कुछ एरियाज पे पाकिस्तान द्वारा हमला कर दिया जाता है और इंडियन आर्मी उसको रिटेलिएट करती है और पाकिस्तान आर्मी को पुश बैक करती है, और फिर 1949 में जाके सीज फायर लाइन ड्रॉ होती है। आपको ईयर याद रखना है, 1949 में जाके सीज फायर लाइन ड्रॉ होती है, जिसमें हमें बहुत नुकसान होता है, हमें 78,932 किलोमीटर का नुकसान होता है, इतना हिस्सा पाकिस्तान के पास चले जाता है। यानी कि हमारा पूरा गिलगित, मीरपुर, कोटली और कुछ हिस्सा पुंछ का पाकिस्तान के पास चले जाता है। और जिन डिस्ट्रिक्ट्स पर कोई असर नहीं पड़ता है, उनमें से एक है जम्मू, उधमपुर, कठुआ और अनंतनाग, इन पे कोई भी असर नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट इवेंट जो आपको याद रखना है, वो है इंडिया और चाइना की वॉर, जो कि होती है 1962 में,
और यहाँ पे हमें नुकसान होता है पूरे 64,000 किलोमीटर का, और जिस रीजन का नुकसान होता है हमें वो लद्दाख का रीजन है स्काई चिन। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं आज के प्रेजेंट सिनेरियो की। तो आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 को JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, जिसके तहत JNK एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गई थी और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन चुकी थी। अब यहाँ से आपको मेन पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर पूरे इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है इन टर्म्स ऑफ एरिया, और नंबर वन कौन सी है? लद्दाख। और अगर आप बात करें पॉपुलेशन के मामले में तो भी जम्मू कश्मीर सेकेंड लार्जेस्ट आती है, लेकिन यहाँ पे नंबर वन कौन सी है? दिल्ली। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, नंबर वन दोनों केसेस में याद रखना है और नंबर टू तो JNK है, लैंड में भी और पॉपुलेशन में भी। अब हम बात करेंगे JNK की लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो कश्मीर वैली 100 मीटर वाइड है, एंड अगर हम कश्मीर डिवीजन के एरिया की बात करें तो 15,948 किलोमीटर एरिया है। इसी तरीके से अगर हम जम्मू डिवीजन के एरिया की बात करेंगे तो वो है 26,293 किलोमीटर। अब अगर हम इनकी डिविजन्स की बात करें तो जम्मू डिवीजन में टोटल हमारे पास 10 डिस्ट्रिक्ट हैं और कश्मीर में भी 10 हैं। पड़ोसियों की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब के हम नॉर्थ में हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब हमारे रिस्पेक्ट में साउथ में हैं। इसी तरीके से अगर हम लद्दाख को लें तो लद्दाख के हम वेस्ट में पड़े, लेकिन लद्दाख हमारे रिस्पेक्ट में कहाँ पड़ेगा? हमारे ईस्ट में पड़ेगा। ये ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ साउथ के कंसेप्ट मैं नहीं समझाऊंगा, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, फर्स्ट में देखी जाती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे देखते हैं। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस के बारे में। तो कश्मीर की अगर ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो आप जानते हैं कि मिलिट्री वाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, चाहे वो हमारा सियाचिन है चाहे वो हमारा कश्मीर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं इनकी। और अगर सुंदरता की बात करें तो आप जानते हैं कश्मीर बहुत ही सुंदर है, जो वहाँ स्नोफॉल होती है, जो हमें वहाँ फ्रूट्स मिलते हैं, प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स, सैफ्रॉन, हर्ब्स, मिनरल्स, प्रीशियस स्टोन्स हैं, जो वुलन कारपेट्स हैं, यहाँ जो पश्मीना एम्ब्रॉयडरी होती है वहाँ पे क्लोथ्स पे, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इस एक पर्टिकुलर चीज़ पे एक प्रॉपर वीडियो बनेगी, तभी आपको बेटर एक्सप्लेन हो पाएगा कि कौन से प्रोडक्ट्स किस जगह से आते हैं और क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसलिए ये जो पर्टिकुलर मैं टॉपिक है ये एक अलग वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स की क्या इम्पोर्टेंस है और आपने कौन कौन सी जगह के प्रोडक्ट्स को याद रखना है, उसके साथ एसोसिएट करना है। आगे चलते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर घर है बहुत सारी वैलीज़ का, चाहे वो कश्मीर वैली हो, तवी वैली हो, चिनाब वैली हो, पुंछ वैली हो। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में 6 मेजर रिवर्स हैं। 6 कौन कौन सी हैं? एक है इंडस, एक है चिनाब, एक है झेलम, और जो बाकी 3 हैं वो कौन सी हैं? रवि, ब्यास और सतलुज। अब आपने इसको याद कैसे करना है? देखिए, RBS, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ये मैंने सामने नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है अगर आपने मेरे पहले लेक्चर्स देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो मैं रिवाइज करवाता हूँ। RBS हो गया रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, R हो गया रावी, B हो गया ब्यास, S हो गया सतलुज, ठीक है? तो RBS हो गया, ये जो 3 रिवर हैं इन तीनों का कंट्रोल है इंडिया के पास, और जो बाकी 3 रिवर बच गई, दैट इज इंडस, झेलम और चिनाब, इन तीनों का कंट्रोल किसके पास है? पाकिस्तान के पास। ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हुआ था, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है जिसको मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं, आपको वो बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी और क्या हुआ था उस वक्त। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम 4 क्वेश्चंस देखेंगे, अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वीडियो को फिर से देखिएगा, आप ज़रूर कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर अंडर विच रूलर? सेकेंड है, कश्मीर वैली इज हाउ मच किलोमीटर वाइड? थर्ड है, विच इज़ द लार्जेस्ट यूटी इन टर्म्स ऑफ लैंड? एंड फोर्थ है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस यूटी? ठीक है, इन सबके आंसर्स मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए आपसे। तो इस वीडियो से इतना ही, इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है एक बार उसको रिवाइज करते हैं। हमने JNK की ज्योग्राफी को डिस्कस किया इस वीडियो में, जिसके अंडर हमने सिचुएशन, लोकेशन, एरिया एंड एक्सटेंट पढ़ा, एंड ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस पढ़ी। अब ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस में जो प्रोडक्ट्स की रिलेटेड वीडियो बनानी है वो एक अलग ही बनेगी, क्योंकि वो बहुत ही वास्ट वीडियो है।
बाकी जो भी मैंने पढ़ाया है इसके आपने नोट्स बनाने हैं। इस वीडियो को एक या दो बार तो एटलीस्ट देखना ही है। अगर आप एक बार देख चुके हैं तो दूसरी बार ऐसा करिएगा कि इसको 1.5x पे देखिएगा, जल्दी कवर करने की कोशिश करिएगा ताकि जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके दिमाग में बैठ जाए और आप इसके नोट्स प्रॉपरली बना लें। और कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं PDF अपलोड करूँ हर एक लेक्चर की, तो वो भी अब हमने सोच लिया है कि टेलीग्राम चैनल जो है हमारा उस पर हम PDF भी अपलोड कर देंगे आप सबके लिए, तो आप जल्दी से उसको फॉलो कर लो। बाकी मैं पर्सनली आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हमेशा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं हर एक सिचुएशन में। बाकी आपकी मर्ज़ी है जैसा आप पढ़ना चाहें, हर एक बच्चे का सिचुएशन अलग होती है, कंडीशन अलग होती है, हर एक का माइंड अलग होता है। तो इन दी एंड थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।